नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल गरिमा बोथरा को। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉलेज बीएससी में 75% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं और अन्य चैनलों की तरह यह नहीं बताऊंगा कि आपको शॉर्ट तरीके से अपनानी है, उससे 75% से अधिक अंक आपके किसी भी कीमत पर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपके ज्ञान वर्धन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि हम 75% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करेंगे। हम बीएससी का एग्जाम देंगे दोस्तों, और एसआईएमई वीडियो यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस बना रहा तो मैं बीए या बीकॉम का भी एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूं। दोस्तों, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यहां बात करेंगे एमजीएसयू के नए जो सिलेबस आए हैं 2018 में उसके बारे में। एमजीएसयू का जो 2018 के बाद नया सिलेबस है उसमें दोस्तों हमारे हर विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का उदाहरण लेकर चलते हैं। उसमें तीन तीन पेपर होते हैं। पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हमारे दो पेपर होते हैं, 66 नंबर के और एक पेपर होता है 68 मार्क्स का। तो दोस्तों, जो अब इसमें पेपर किस प्रकार आता है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे मैथ में डेढ़ नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार को मिलाकर 15 नंबर होते हैं। फिर आते हैं तीन तीन नंबर के 5 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 15 नंबर। फिर आते हैं 12 नंबर के 5, 36। अब ये कैसे मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले डेढ़ नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं वो हो गए 15 नंबर के, और ये क्वेश्चन हमें सारे के सारे लगते होते हैं। और जो तीन तीन नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें साथ में हमारे आता है आंतरिक उत्तर यानी अटवा। और जो 12 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपके हर एक यूनिट में से आएंगे। दोस्तों, आप यदि मैं आपको बता रहा हूँ 3 यूनिट के लिए, यदि आप 3 यूनिट करेंगे तो भी आपके पूरे 36 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हर यूनिट से एक आएगा, आपको 5 में से 3 करना है। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से मैं नंबर बना सकते हैं। यदि हम 3 यूनिट करते हैं, यदि हम 3 यूनिट करेंगे तो सबसे पहले डेढ़ नंबर के क्वेश्चनों की बात को हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 9 नंबर हमारा सेशन ए में हो जाएंगे। उसके बाद तीन तीन नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, यदि हमने 3 यूनिट क्लियर की है तो हमारे 9 नंबर इसमें हो जाएंगे। और उसके बाद 12 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 3 क्वेश्चन यदि हम 3 यूनिट करते हैं तो उसमें से हमारे जो तीनों क्वेश्चन होते हैं हो जाएंगे, यानी 2 × 3 = 36। इस प्रकार आप इसे जोड़ते हैं तो नंबर बनते हैं हमारे 54 नंबर, यानी इस यहां में से हमारे नंबर बन रहे हैं 54। 54 में से 66 नंबर बनने का क्या दोस्तों कि हमारे 80% नंबर बन रहे हैं, जो कि हमने 75% कहा था उससे भी ज्यादा है। अब लेकिन हमारे में कोई कम नंबर बने तो भी वो चल जाएगा। यह स्वभाव की उम्मीद की कहने का मतलब यह है कि हमें 5 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो भी 3 यूनिट पढ़ रहे हैं वो 3 यूनिट को हमें पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए दोस्तों, वरना हम कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम ही है, उसे उसी तरीके से करना है। इसलिए मैं आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, दोनों में वैसे ही है दोस्तों। फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी हमारे 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर 43-45 नंबर के होते हैं, और इसमें एक आता है 63 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल। हम पहले बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में यदि 43-45 नंबर के हैं, यानी इसमें हमारी जो फिजिक्स में हर यूनिट है वो 9 नंबर की हो जाती है, हर यूनिट के 9 नंबर है। तो यदि हम यहाँ पे 3 यूनिटें करते हैं तो हमारे नंबर बनते हैं 33 नंबर। यदि 3 यूनिट हमने लिए मोटर तो हमारे नंबर बनेंगे यहाँ पे 33, कैसे वो मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे यहाँ इसमें हमारे क्या आएंगे, डेढ़ डेढ़ नंबर के 10 क्वेश्चन जो हो जाते हैं 15 नंबर के। फिर 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये 15 नंबर के। फिर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये 15 नंबर के। इन 5 में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, और इन 5 क्वेश्चनों में भी हमारे पास आखिरी विकल्प रहेगा, हम पीछे से और एक क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो यदि हम तीन यूनिट करते हैं तो यहां पे जो 15 नंबर है उनमें से हमारे 9 नंबर आ जाएंगे, और यहां पे यदि हम तीन यूनिट करते हैं तो 15 नंबर यहां भी 9 आ जाएंगे, और ये जो 15 आई है वो पूरे के पूरे आ जाएंगे क्योंकि हमें पांच क्वेश्चन दिए हैं, हम कोई तीन यूनिट हमें तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 5 × 3 = 50। जब हम इनका योग करते हैं तो बनता है 50। इस प्रकार हमारे 33 नंबर एक पेपर में बनते हैं, जब 33 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो होता है 99, और हमारा जो टोटल मार्क्स है वो 55.3 यानी 135, यानी जो हमारे नंबर होते हैं वो है 99 135 में से। और यदि हम इसमें हमारे प्रैक्टिकल के नंबर जैसे 65 नंबर का होता है हमारा प्रैक्टिकल, यदि हमारे इसमें 60 नंबर भी आ जाते तो हम देखेंगे कि 99 60, यानी 159 नंबर बने थे, दो में से 160 नंबर बनने का दोस्तों हर टाइम के हमारे 75% से भी अधिक अंक बन रहे हैं, करीबन करीबन यदि हम देखें तो 160 नंबर बनने का हर टाइम हमारे 77 से 78% हमारे नंबर बनते हैं। अब इस तरह 160 नंबर इसके हो गए, और जो हमने मेन किया था कि हमें एक में एक पेपर के 54 नंबर बनाने हैं तो 54 × 3 ये मान लीजिए 20 हो गए ये मेरे थे, और इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी सेम ही है कि हमें तीन पेपर है तो उसमें भी हमारे 160 नंबर हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर दोस्तों जो इसका आंकड़ा आएगा वो इस प्रकार है, हमारे नंबर बनेंगे लेकिन 400 बनेंगे 600 और 400 नंबर बनने का अर्थ है कि लगभग हमारे 80.2% होते हैं, और हमने सौ पे जो बात की थी वो थी 75% की, यानी यदि हम 400 नंबर नहीं बना पाते और इसे भी मान लीजिए 32 नंबर कम 450 नंबर आते हैं तो भी हमारे 75% नंबर बनते हैं। तो मेरे कहने का दोस्तों सीधा साथ ये है कि सारा विषय पढ़ने के बजाय आप ये कार्य करें कि हर पेपर से 3-3 यूनिट आप सबसे पहले क्लियर करें, लेकिन जो आप 3 यूनिट कर रहे हैं वो पूरी 3 यूनिट क्लियर करें, जिससे आपके मार्क्स रह सकते हैं आपके 75% से ऊपर आ जाएंगे, यानी आपको मेहनत करनी है 60% की और आपके मार्क्स सारे हैं 75% से ऊपर, आपके 80% रहे, लेकिन यदि हम 32 नंबर और भी काटे तो आपके 75% नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से हम अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर ग्रेजुएशन में बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बीए और बीकॉम का भी, यदि आपका वीडियो किसी भी अच्छा रिस्पॉन्स था तो बीए और बीकॉम के लिए भी ये स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा दोस्तों। तो जाने से पहले लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आप हमारे अपने चैनल गरिमा मोत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, आपके कोई बीएससी के या कॉलेजेस के मित्र है तो वीडियो को शेयर